अप्रसन्नता का सबसे जो अहम कारण है वो यही है कि हम अपने को भी कर्ता मानने की भूल करते हैं, दूसरे को भी, और हम इसी में उलझते रहते हैं। अब आप सपोज करिए इसको बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली भी आप समझें इस फाइनल अंडरस्टैंडिंग को कि परिस्थितियां बन रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, व्यक्ति के माध्यम से भी क्रियाएं घट रही हैं जो कि तमाम फैक्टर्स पर निर्भर कर सकती हैं, वो फैक्टर जो व्यक्ति के अपने नियंत्रण में नहीं है, तो हम सहज हो जाएंगे, हमारे अंदर एक निश्चित किस्म की शांति उतर आएगी। वो शांति प्रसन्नता की तरह हमारे अंतरतम से अभिव्यक्ति होगी। प्रसन्नता का जो सुपरफिशियल लेवल है कि हम मुस्कुराते रहें, हम नाचते रहें, हम इस तरह के सारे काम करते रहें तो हम माने कि हम प्रसन्न हैं, तो वो प्रसन्नता भी देखा जाए जो अप्रसन्नता है उसका एक विपरीत फॉर्म है। यानी कि अप्रसन्नता में आप रो रहे हैं, सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, मुंह बना के बैठे हुए हैं, आप हर चीज़ से अपने को विड्रा कर चुके हैं, ये अप्रसन्नता का ढंग हुआ। प्रसन्नता का ढंग फिर ये हुआ कि नहीं, हम खूब खुश हैं, हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रसन्नता प्रसन्नता का जो स्ट्रक्चर है वो करीब करीब एक जैसा है, परिस्थिति पर ही खड़ा है। यानी वो परिस्थिति थी तो हमने वैसा किया और दूसरी परिस्थिति थी तो हमने वैसा किया, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो शांति है हमारे अंदर की वो बिल्कुल अलग चीज है। शांति जब होती है तो हम प्रसन्न दिखते हैं, हमारे शरीर का रोम रोम उस प्रसन्नता से भर जाता है। यानी कि कभी किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संत को, ऐसे सेज को, ऐसे बुद्ध को अगर हम देखें तो उसकी पूरी बीइंग हमको बड़ी प्रसन्नता से भरी हुई लगेगी। उसका नख सिक तक अगर हम दर्शन करें तो हमको लगेगा कि एक ऐसी प्रसन्नता जिसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती, खिलावट है, फ्लावरिंग है। उसके शरीर की एक एक सेल उस प्रसन्नता से भरी है, लेकिन हो सकता है ना वो जोर से हंस रहा हो, ना वो खास इंटेंसिटी में मुस्कुरा रहा हो, ना वो नाच रहा हो, ना वो गा रहा हो, वो बस शांत है, ठहरा हुआ है। वो शांति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे अंदर रच बस जाती है। तो मौलिक रूप से प्रसन्नता तो उसी को हम कहेंगे। बाकी जिसको हम अभी तक प्रसन्नता जानते हैं वो हमारा इंटरप्रिटेशन है और वो अप्रसन्नता की पृष्ठभूमि पर ही खड़ी है। तो ये जब नॉन डूअर स्टेट को हमने अकर्ता को समझ लिया होता है तो हम शांत हो जाते, हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम रिएक्ट नहीं करते, हम शांत। वो शांति धीरे धीरे हमारे शरीर मन का हिस्सा बनती है और वही प्रसन्नता की तरह नजर आती है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग की तरह प्रसन्नता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। समझ रहे?